भावना यादव बैच 7 ओबीसी कैटेगरी 1673 रैंक, ठीक 1673 रैंक। हाँ जी, भावना भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से है जो डांट खाने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, ठीक है। मैं इनको लास्ट तक बोलता रहा कि ऑफलाइन पढ़ना है और ये ऑनलाइन पढ़ती रही, बट पढ़ गई है ना, ठीक है। और अच्छी रैंक भी दी, मेहनत की, तो मेहनत कैसे भी करो रिजल्ट ज़रूर मिलता है ना। बाकी भावना खुद बताएंगे, लीजिए। गुड आफ्टरनून TSL टीम, हेलो एवरीवन। मैं सबसे पहले, मुझे आज भी याद है, मैं जब कोचिंग में फर्स्ट डे आई थी तो मुझे सर ने एक बात बोली थी कि जो मैं बोलूँगा वैसे ही तुम्हें करना है। तो मैंने सबसे पहले ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा ली थी। सर ने बोला था कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जो क्लास में कराया है, वो साथ के साथ डेली करना है और लिख के देखना है। मैंने बीच में लिख के, मतलब स्टार्टिंग में लिख के देखा, उसके बाद मैंने बीच में छोड़ दिया था लिखना, क्योंकि ज़्यादा बर्डन हो जाता है। लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि जैसे मैं लिखना बीच में छोड़ दिया तो मेरी रैंक थोड़े से ना, क्लास में जैसे टेस्ट हुए तो उसमें कम मार्क्स आ रहे थे। तो उसके बाद फिर से मैंने दोबारा से लिखना स्टार्ट किया और फिर मैंने देखा तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो मैं तो बोलूँगी, जितना भी मैं आज इस जगह अगर खड़ी हूँ तो लिटरली सिर्फ TSL की वजह से हुई। और मैं तो बोलूँगी फार्मा तो इस पूरी इंडिया में, मैं ये बोलूँगी इंडिया में मानव सर जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता। और हमारी फंडामेंटल तो मैं सच बता रही हूँ, मैंने पिछली कोचिंग से जैसे पढ़ा फंडामेंटल, मैंने मुझे नहीं पता था इतनी ज़्यादा होती है फंडामेंटल, कि बेसिक कंसेप्ट ही वहीं से आएंगे। तो सीरियसली थैंक यू सो मच ऑल TSL टीम, थैंक यू सो मच।